मेरे पास इस वक्त पहुंच कनाल में ये लगा हुआ है, मैं तो आगे मेरा इरादा है नेक्स्ट ईयर आई विल गो फॉर 25 कनाल मोर। मैं सोपोर से 6 किलोमीटर दूर वारपोरा गांव में रहता हूँ। मैं बेसिकली हेरिटेरली एक एप्पल ग्रोवर हूँ, ये मेरा हेरिटेटल बिजनेस है। इस बिजनेस में चूँकि जो एप्पल ग्रोइंग है इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, आपको आजकल तो आपको मार्केट देखते हैं, इसका मार्केट में गलत हो गया और इसमें जितने भी एक्सपेंसेस हम लगाते हैं वो एक्सपेंसेस वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये देखा कि कीवी बिकते हुए देखा, आई हैव सीन इन फॉरेन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज एज वेल एज आउटसाइड स्टेट आउटसाइड दिस कंट्री, मैंने देखा कीवी बिक रहे हैं। तो मैंने सोचा जब ये ग्रो हो सकते हैं इसमें हॉलैंड में, न्यूजीलैंड में या चाइना में जहाँ पर एप्पल ग्रो होता है, तो क्यों ना हम भी इसको ट्राई करके इसको ग्रो करने की कोशिश करें। और मैंने प्लांट्स लाए, मैंने लगा दिया इनको, मैंने इनका बावर सिस्टम बना दिया। बावर सिस्टम बनाने के बाद मैंने इसको ग्रो किया। 2 साल तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी आ गई, जब बहुत डिफिकल्टी आ गई, 3rd साल इसने थोड़ा थोड़ा मुझे फ्रूट देना और 5 साल से मैं ये कर रहा हूँ, 3 साल से मुझे कीवी फ्रूट दे रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इसमें आपको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत है, कोई फंगिसाइड नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें खाद भी हम नहीं देते हैं। और इसमें ये तो अगर हम देखेंगे तो ये वी कैन कॉल इट एन ऑर्गेनिक फ्रूट। इस वक्त सारी दुनिया में मांग भी है ऑर्गेनिक एप्पल की। ये जो इसके बेनिफिट्स है, ये कीवी के बेनिफिट जो है वो तो आप यू कैन बेटर नो इट फ्रॉम द मतलब जनरेशन स्कॉलर्स या अदर पीपल। मैं तो ये कहूँगा कि इसके मतलब ये शुगर फ्री है और इससे ब्लड प्रेशर डाउन होता है एज पर सुनने में आया। आई एम नॉट ए टेक्निकल इन दिस। तो इसमें मतलब मैं यहाँ के ग्रोवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स को भी ये कहता हूँ कि अगर आपका एप्पल के ऑर्चर्ड है तो आप थोड़ा सा इसको अपने साइड में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिए कीवी ग्रोइंग में, कि कीवी ग्रोइंग में ज़्यादा फ़ायदा है। ये सिर्फ इस वक्त अगर हम पूरे मुल्क का ले लेंगे तो पूरे मुल्क में ये 2 जगह पर इस वक्त डेवलप हो रहा है, मतलब ग्रो हो रहा है। एक तो हिमाचल में हो रहा है और दूसरा कश्मीर में हो सकता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि इतने बड़े मुल्क के साथ, या मतलब आप ले ये बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मतलब दूसरी एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं, तो इसको कितना दे सकते हैं आप, कितना। तो इसकी मार्केटिंग के लिए मैं कहूँ इसके लिए बेस्ट मार्केटिंग होगी और बेस्ट बेस्ट चीज़ है ये उगाने के लिए। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पास इस वक्त पहुँच कनाल में ये लगा हुआ है, मैं तो आगे मेरा इरादा है नेक्स्ट ईयर आई विल गो फॉर 25 कनाल मोर, क्योंकि मैंने देखा इसमें एक तो ग्रोइंग इसमें बहुत इजी है और इसमें खर्चे भी इतने ज़्यादा नहीं है, जितना एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसमें पेस्टिसाइड फ्री, फंगिसाइड फ्री, खाद भी हम नहीं देते हैं इसमें। हम इसमें लगाते हैं वर्मी कल्चर या गार की खाद लगाते हैं, हम तो इसको ऑर्गेनिक बनाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर एप्पल वाले ज़्यादातर कहते हैं कि पेटल फॉलिंग हो गई इन द मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में, जब भी फूल निकलते हैं एप्पल के, तो उन दिनों अगर थोड़ी सी भी सर्दी होती है या बरसात होती है तो मतलब बरसात की वजह से या ठंडी की वजह से पेटल फॉलिंग हो जाती है। इसमें एक और फ़ायदा है कि इसके फूल जो है वो मई में निकलते हैं, तो इसमें पेटल फॉलिंग की कोई देर आर नो चांसेस फॉर पेटल फॉलिंग, क्योंकि उन दोनों ठंड भी नहीं होती है। लेकिन इसकी हार्वेस्टिंग थोड़ा सा लेट है, जब इसके फूल लेट आते हैं तो हार्वेस्टिंग इसकी लेट है।